तुझको रूप का सिंगार दिया है परवल 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 खाने वाला परवल परवल दिगार को चाहिए तो दीवानों को क्या मार डालोगे। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग इससे पहले ब्लॉग मेरा देख करके आपको पता ही चल रहा था कि हम शादी पार्टी में गए हुए थे और उसके बाद आज फाइनली आ गए अपने घर पे। और यहाँ पे घर पे आने के बाद देखे घर में क्या हो चुका है, चोरी घर में, मेरा घर में चोरी हो चुका है। अब उस चीज़ को हम पूरे डिटेल से दिखाते हैं और पूरे बारीकी से बताते हैं। इससे पहले कि देखिए हम रूम पे आए हुए और यहाँ पे सुजाता जो है अभी किचन में क्या कर रही है, क्या कर रही है तुम? खाना बना रहे पर मेरे यहाँ तेल खत्म हो गया सरसों का, रिफाइंड है तेल खत्म हो गया। खाना बना रही है, क्या खत्म हो गया? तेल सरसों का नहीं ध्यान में था, पता नहीं था पहले से। नहीं आपको लगा एक ड्यूटी बहुत 5 kg खत्म हो गया तो तेल समाप्त हो गया 5 liter वाला तेल। ऐसे ये पता नहीं होता है, जब किचन का सारा काम जब जो चीज सब शॉर्ट हो जाता तब बताता जाए ये खत्म हो गया। इससे पहले इसको बताना चाहिए था लेकिन अभी किसी तरह से एडजस्ट किया है। और दोस्तों अब बता दें, हम अक्सर ऐसा होता है बड़े बड़े शहर में, जैसे में कि चोरी की बात अभी हम बोले तो खास करके, और बड़े शहर में तो नहीं बता सकते लेकिन पटना में ऐसा होता है कि आप अगर घर में ताला लगा कर जाइए ना तो कहीं भी 1 से 2 दिन के लिए भी अगर आप जाइए तो श्योरली आपके घर के समय छेड़छाड़ हो गई, चोरी की नियत से कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े शहर में होता है क्या, आप सभी लोग अपने से मतलब रखते हैं, अपने घर के वो सेपरेट देख रहे हैं, दूसरे के घर में क्या हो रहा है नहीं वो नहीं जानता। और चोर लग जब देखता है कि घर में ताला लगा हुआ लटका हुआ है तो ये जानता है कि यहाँ इस घर में कोई रहने वाले नहीं है, तो इस घर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो सक्सेस होंगे। इसी वजह से वो बंद ताले, जिस घर में बंद ताला रहता है तो श्योरली उस घर में छेड़छाड़ करता है, चोरी करने की भावना से, चोरी करने का नियत से, और चोरी करने की कोशिश भी करता है। इसी तरह से मेरे घर में किया, जबकि बता रहे हम अपने घर में पूरी तरह से दिखा सकते हैं आपको कि कितना सेपरेट से रहते हैं और कितने सेपरेट से है। तो गाइस एक बात और बताते हैं, शादी से आने के बाद इतना सारा कपड़ा है मत पूछिए वॉश करने के लिए, इतना। तो शादी पार्टी में सारे कपड़ा गंदा हो गया है? नहीं कोई भी कपड़ा नहीं खींचे थे जानते, बस सारा कपड़ा बस वहाँ से यूज करते थे और रख देता था सूटकेस में, यूज किया सूटकेस में रख दिया, बहुत सारा कपड़ा लेके गए थे। क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग भी थे और जब बहुत सारे लोग में सुविधा थोड़ी सी उतने ही सुविधा में सब लोग एडजस्ट करना, सुविधा बहुत था वहाँ, बहुत मजा आया लेकिन डर लगता था मेरा साड़ी कोई इधर उधर हो गया तो उतना मागा मागा मेरा साड़ी तो कपड़ा इधर उधर होने की डर ज्यादा रहता है, चांसेस रहता है। इस वजह से ये सही ही किया एक तरह से, उतना कपड़ा लेकर गया था कि गंदा होते भी जाएगा तो भी अच्छे अच्छे कपड़े बचे रहेंगे। तो यही है। और उसके बाद देखिए अभी तक छोटू कहाँ है, क्या कर रहा है, छोटू अभी तक सोया ही हुआ है, ये देखिए आराम से फैन चल रहा है और आराम से छोटू सोया हुआ, देखिए कितना बिंदास से सोया हुआ। छोटू उठ जाओ छोटू, गुड मॉर्निंग देखिए अंग्राई लेना शुरू कर दिया, गुड मॉर्निंग छोटू, उठो, ये देखिए छोटू की अंग्राई, उठो, सुबह हो गया छोटू उठेगा, अरे देख लिया पेट दिखा दिया। तो गाइज अब दिखाते हैं हम आप लोगों को कि घर में मेरा क्या क्या चोरी हुआ, क्या चोरी हो गया और कैसे कैसे, जबकि देख सकते हैं पहले हम आपको अपने घर को सेपरेट दिखाते हैं किस तरह से सुरक्षा है मेरे घर में, सुरक्षित स्थान से। जैसे मैं देखिए ये पीछे वाला गेट है, ये जो मेरा है पीछे वाला गेट है, तो एक गेट यहाँ हो गया, फिर यहाँ ये पूरा ग्रिल लगा हुआ है, ये पूरा ग्रिल लगा हुआ और बाकी इतना भी खाली स्थान है। हाँ और उसके बाद में देखिए किचन में भी कहीं कोई अथी है, उधर सिर्फ एक खिड़की है, बाकी सभी तरह से बिल्कुल पैक है खिड़की, किचन कहीं कुछ नहीं है, देख सकते हैं। तो उसके बाद में एक इधर का गेट, पीछे का गेट दिखाई दिए, ये साइड वाला गेट और एक, हाँ बेटा उठ गया लगता है छोटू, उठ गया एक आगे का मेन गेट है, तो मेन गेट आपको हम दिखाते हैं, ये आगे वाला रूम में आगे और आगे वाला रूम का मेन गेट के देखिए, पहले ये खिड़की है जो कि जाली भी लगा हुआ, कहीं कोई अथी दिक्कत नहीं, उसके बाद में उधर भी खिड़की है वो भी जाली लगा हुआ, ये मेन गेट है, तो मेन गेट का देखिए लॉक, ये लॉक है, ये लॉक है, अब इसको हम खोल के बाहर जाते हैं, ये देखिए आगे हम बाहर,
बाहर में आ गए चप्पल बाहर में ये सब, तो उसके बाद भी देखिए बाहर में कितना सुरक्षित से ग्रिल लगा हुआ, इधर भी और इधर भी ग्रिल लगा हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम। अरे आ गया छोटू, देखो छोटू आ गया, अब फिर आगे ला रूम में आके सो गया। छोटू आ जाओ इधर, आ जाओ बाहर आ जाओ, क्या कर रही है? कुछ नहीं, टहलने आई। इधर ताला भी लगा हुआ अभी तक, यार गए देख सकते हैं अभी तक ये ताला लटका के रखी हुई है, देखिए। तो ये खुद को अपने बहुत सेपरेट से रहती है, उधर पीछे का भी गेट दिखा है उसमें भी ताला लगा रहता है, इसमें भी ताला लगा रहता है, उसके बाद में यहाँ से मेन गेट का एंट्री है, देखिए ये मेन गेट का एंट्री है, तो यहाँ भी अंदर में भी लॉक रहता है, सभी जगह पे लॉक, यहाँ पे इसलिए लॉक कर देता है कि हमारा गाड़ी है साइकिल है इसको सुरक्षा के लिए बिल्कुल लॉक है। अब देखिए ताला खोल रही है, तो ये देखिए अब खुल गए यहाँ, और उसके बाद में भी एक गेट अभी है जिसमें कि ताला लटका रहता है, ताला लगा रहता है, दीवार भी देखिए 6 फीट से ऊपर है, तो कहीं कुछ भी आने का यहाँ चांसेस नहीं है। फिर भी हुआ क्या है मेरे घर में, कुछ भी देखो चोरी चोरी होती है, छोटी सी चोरी कर ले या बड़ी चोरी कर ले चोरी ही कहलाता है, तो चोरी क्या हुआ अब दिखाते हैं आपको। देखिए सुजाता आ, देखो छोटू उठते एक साथ देखो साइकिल चला रहा है, क्या होता है चोट मत लगा लेना बेटा, सही तुम कल ही ना वो टेट भाई का सुई पड़ा है तुमको, टेट भाई नहीं टेटनस, टेटनस। और अब दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ का सीन जो है मेरा, मेरे घर का ये फूल पौधे है यहाँ लगा हुआ, ये जो ये बाहर का सीन है ये सब बाहर में है। उसके बाद में ये देखिए अमरूद का गाछ है, इसमें अमरूद कितना फड़ा हुआ देख सकते हैं, देखिए कितने बड़े बड़े हैं, देखिए कैसे पका पका हुआ अमरूद दिख रहा होगा, देख रहे हैं देखिए कितना है, बहुत ही सारा है, देखिए बहुत ही सारा अमरूद है इसमें पका पका। और इसी से किसी ने चोरी किया, इस तरह से किया है कि देखिए अमरूद तोड़ लेना अच्छी बात है, खाने वाला चाहिए खा तोड़ लो लेके कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये डाल ही तोड़ दिया पूरा, देखिए वो जो दिख रहा है वहाँ से डाल इसको टूट चुका है बिल्कुल, पता नहीं अमरूद तोड़ने के चक्कर में वो डाल ही तोड़ दिया, और इसमें भी इतना फरा हुआ है ये सब सारा सूख जाएगा। तो गाइज अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार इसके घर में तो छोटी सी चोरी हुआ है, आ जाओ बेटा अंदर, एक आम मतलब खाने वाला चीज चोरी किया, बिल्कुल सही आपका सोच है कि खाने वाला ही चोरी हुआ है, जब मेरा घर इतना सुरक्षित है सेपरेट है तब वहाँ पे जाके अमरूद की चोरी हो चुका है हो चढ़ सकता है, तो समझ सकते अगर मेरा घर ये सेपरेट नहीं होता सुरक्षित नहीं होता तो मेरे घर से कुछ भी चोरी हो सकता था, फ्रिज निकाल सकता था, ये बाहर में वाशिंग मशीन रखा हुआ वाशिंग मशीन चोरी कर सकता था, एसी बहुत सारी चीज़ें घर से कुछ भी चोरी हो सकता था। तो इसलिए हम कहते हैं जो भी जहाँ भी हैं अपने घर को बिल्कुल सेपरेट और सुरक्षित रखें, ताकि ऐसा कहीं पे जाने के बाद सबकी नज़र होती है तो उस नज़र से आपकी घर बचा हुआ रहे सुरक्षित रहे चोरी चमारी से बच जाए घर को। हालांकि मेरे घर में अमरूद की चोरी हुई है तो अमरूद कोई बड़ी मायने नहीं रखते हैं हम, लेकिन अगर अमरूद के अलावे कुछ और अगर मेरे घर पर चोरी हो जाती तो बहुत बड़े मायने होता और बहुत बड़ी नुकसान होती, इसलिए इसका सारा श्रेय घर को बचाने का सारा श्रेय किस पे जाता है, तो ये देखिए सुजाता को जाता है क्योंकि ये घर को बहुत सेपरेट रखती है। नहीं तो मेरा नाम सुजाता, आपको पता नहीं है हम हर एक चीज सुरक्षित करके रखते हैं, वो भी कैसे ये तो हम नहीं बता सकते हैं। तो वाकई में ये सुरक्षित रखती है घर को सेपरेट रखती है। देखिए छोटू साइकिल, पता नहीं साइकिल के पीछे कितना पड़ा हुआ रहता है, वो किधर गया देखिए, देखिए साइकिल पे स्टोर कर रहा है, ये देख हैं चोट लगे थी नहीं गंदगी लगी है पूरा साइकिल का, पापा भूल गए क्या, भूल गया साइकिल चलाना भूल गया नहीं क्या आता है नगर निगम में लाया कचरा। तुझको रूप का सिंगार दिया है परवल 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 खाने वाला परवल परवल दिगार को चाहिए तो दीवानों को क्या मार डालोगे। अरे छोटू तुमको नानी मासी क्या मजा आ रहा था ना, कर लो ना। तो गाइज फाइनली आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, और उसके बाद में जो हम इस वीडियो के माध्यम से आए छोटी सी संदेश दिए हैं कि घर को सेपरेट और सुरक्षित रखें, ये जरूर इस चीज को ध्यान रखना है जो भी देखते हैं मेरे ब्लॉग को। तो कहीं भी आप जाइए अपने घर को अपने बच्चे को अपने जो भी है अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना आपका हाथ में
सेफ करना आपके हाथों में है। तो आप लोग को ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग और अगले वीडियोज के साथ। जय हिंद, जय भारत।